आफ्टरनून एवरीबॉडी, आज की प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज की प्रेस ब्रीफिंग में प्लान इस तरह से, सबसे पहले हम लोग जो रूटीन ब्रीफिंग है वो कर देंगे, और आज हमारे लोगों के साथ प्रधान सचिव स्वास्थ्य संजय सर भी हैं, तो जो सरकार का एक निर्णय हुआ है एक्टिव स्क्रीनिंग के बारे में, उसके बारे में वो आपको डिटेल में ब्रीफ करेंगे। अभी की जो स्थिति है, सरकार द्वारा लगातार स्थिति की समीक्षा की जा रही है और जो भी आवश्यक निर्णय हैं, जो निर्देश हैं, वो दिए जा रहे हैं सभी विभागों को, और मुख्य सचिव द्वारा भी प्रतिदिन क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठक होती है और उसमें जो भी आवश्यक निर्णय होते हैं उनके अनुपालन के लिए सभी को निर्देश दिया जाता है। अभी की जो स्थिति है, कुल 66 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और कुल 7781 टेस्ट किए गए हैं। ये डिटेल में हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको भी ब्रीफिंग होगी इसके बारे में। जो आपदा राहत केंद्र हमारे चल रहे हैं, अभी 150 केंद्र ऐसे चल रहे हैं और वहाँ पर अभी 22,725 लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, इनका लाभ उठा रहे हैं। जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन कैंप्स स्कूलों में चल रहे हैं, वहाँ उनकी संख्या आज 2,356 है और अभी इनमें 23,716 इतने लोग आवासित हैं जिनको वहाँ भोजन, आवासन और अन्य चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। जो हम लोगों के यहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय में या बिहार भवन में या आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम में कॉल्स या मैसेजेस आते हैं, आज तक टोटल उनकी संख्या 55,230 है और इनमें जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, जो ग्रुप्स में लोग फ़ोन करते हैं, करीब 9.52 लाख। तो इन लोगों को हम लोग संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करते हैं और फीडबैक देते हैं, और इनसे जो भी फीडबैक प्राप्त होता है उसके आधार पर इनके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो बिहार सरकार सुनिश्चित कराती है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता के लिए अब तक टोटल 11,66,000 आवेदन रजिस्टर हो चुके हैं हमारे पास, और अभी तक हम लोगों ने 6.65 लाख लोगों को ये राशि 1,000 रुपये की ट्रांसफ़र कर दी है। ये आवेदन लगातार आ रहे हैं, इनकी जांच हो रही है और जाँचोपरांत ये राशि इनके खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। बिहार फाउंडेशन द्वारा जो मुख्यमंत्री राहत कोष की राशि से जो कैंप चलाए जा रहे हैं, ये 12 शहरों में कैंप चल रहे हैं और इनकी संख्या 48 है और आज तक कुल 6,11,000 लोगों ने बेनिफिशरीज़ हैं इन कैंप्स के। इसके अलावा जो पेंशन 3 महीने की हर तरह की जो पेंशन देती है राज्य सरकार, तो उसमें कुल 84.76 लाख पेंशनर्स हैं हमारे पास और आज तक 80 लाख लोगों को 3 महीने की एडवांस पेंशन उनके खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है और बहुत कम बची है, ये भी तुरंत ये राशि भी ट्रांसफ़र की जा रही है। एक प्रश्न ग्रुप में डाला गया था राशन कार्ड्स के बारे में, तो मैं उसके बारे में ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। अभी तक कुल 87,34,000 राशन कार्ड धारियों के खाते में 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। 21 लाख कार्डधारी ऐसे हैं जो अगले 1-2 दिन में उनको राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और जो हमारे रिजेक्टेड राशन कार्ड्स थे या कुछ पेंडिंग राशन कार्ड्स थे उनकी समीक्षा के लिए सरकार ने निर्देश दिया था, वो कार्य भी पूरी तरह से चल रहा है, लगभग समाप्त प्राय है, और मुझे आशा है कि 1 या 2 दिन में हम लोग आपको वो फिगर भी बता पाएंगे कि हम लोग कितने उसमें से राशन कार्ड को बना सकेंगे या निर्गत कर सकेंगे। 2-3 दिनों में इस बिंदु पर लगातार चर्चा हो रही थी माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर और मुख्य सचिव के स्तर पर, और आगे की क्या रणनीति होगी इस पर काफी व्यापक चर्चा हुई और निर्णय ये लिया गया है कि अब 16 तारीख से हम लोग पल्स पोलियो की तर्ज पर हम लोग ड्रिप डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराएंगे। तब का निर्णय है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें हम ये जिले हैं इस बार बेगूसराय, नवादा और नालंदा। इसके अतिरिक्त हर 66 केसेस जो हुए हैं, उस 66 केसेस में से जहां जहां ये हुआ है उसको मैं एपिसेंटर मानता हूं, और उसको एपिसेंटर मानते हुए उसके 3 किलोमीटर के
उन सभी घरों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराई जाएगी और इसके पश्चात जितने लोग भी 1 मार्च से 23 मार्च के बीच में विदेश से आए हैं राज्य में, उन सभी के गांव में, उनके गांव में हर एक घर को स्क्रीन किया जाएगा। ये हमारी रणनीति है और हम लोगों ने अभी जो कैलकुलेट किया है इसमें लगभग 8,000 ऐसे गांव आ रहे हैं जिनको हम स्क्रीन करेंगे। ये प्रारंभिक थोड़ा सा घट पड़ सकता है, लेकिन जो हमारा प्रथम दृष्टया कैलकुलेशन हुआ है उसके अनुसार ये लगभग 8,000 ऐसे